मेरे लिए गंदा सड़ा हुआ बैग, उसके लिए सोने के कंगन। इतना कपीड़ा सौकड़े। इतनी देर हो गई है, पंकज पता नहीं कहाँ पर रह गया है। कहाँ रह गए थे आप इतनी देर से, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बेगम तुम सारा दिन काम कर करके थक जाती हो ना? हाँ थक तो बहुत जाती हूँ घर के काम कर। मुझे अपनी प्यारी बीवी का बहुत एहसास है, इसका बंदोबस्त मैंने कर लिया है। क्या आपने मेरे लिए नौकरानी का बंदोबस्त कर लिया? आपको मेरा कितना ख्याल है। अब जल्दी से ये बताएं कि नौकरानी की दर नजर नहीं आ रही मुझे। सबर करो, ऐसी भी क्या जल्दी, अभी बुलाता हूँ। सोनिया अंदर आ जाओ। दिन तुमसे काम नहीं होता था, मैंने नौकरानी नहीं शादी कर ली है और ये मेरी दूसरी बीवी है। क्या अब ठीक है ना, तुमसे काम नहीं होता था, अब दोनों मिलकर घर का काम करना। चलो सोनिया यहाँ पर बैठ जाओ। जी बिल्कुल, हम मिलकर काम करेंगे। हाय मैं लुट गई बर्बाद हो गई, बीवी के होते वे मियाँ सोकन लेकर आ गया। हाय मैं बर्बाद हो गई। बहुत थक गया हूँ आज तो ऑफिस से। ये क्या, तुम दोनों ने घर का काम नहीं किया? वैसे का वैसा पड़ा है घर बिखरा हुआ। जब दूसरी बीवी भी आकर लाए है तो इसी को कहो काम के लिए। मैं नौकरानी उस घर की जो मुझे सुना रहे हो आके। मैं इनकी बीवी हूँ, कोई घर की नौकरानी नहीं हूँ। जो काम करूँगी मैं। फिर तुम दोनों की लड़ाइयाँ शुरू हो गई है। अच्छा बाबा मैं खुद ही कर लेता हूँ सफाई, तुम दोनों तो करोगी नहीं। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नसराना, कबूल कर लो। हाय 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 कबूल कर लो। सोनिया देखो मैं तुम्हारे लिए क्या गिफ्ट लेकर आया हूँ। अरे वाह, आप मेरे लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। देखो सोनिया मैं तुम्हारे लिए कंगन लेकर आया हूँ। थैंक यू। लाए मुझे जल्दी दें, तुम्हारे हाथों में ये बहुत अच्छे लगेंगे, ये लो। अरे वाह, ये तो बड़े अच्छे कंगन है, मेरे हाथों में भी बहुत प्यारे लगेंगे। और मेरे लिए क्या लेकर आए हो? मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। देखो मैं तुम्हारे लिए ये बैग लेकर आया हूँ, तुम्हें इसकी बहुत जरूरत होगी, ये लो। मेरे लिए गंदा सड़ा हुआ बैग, उसके लिए सोने के कंगन। शराफत से ऐसे मुझे कंगन लेकर दो। सोनिया तुम ऐसा करो, अपने जो कंगन है ना वो सविता को दे दो, मैं तुम्हें इससे भी अच्छे कंगन लाकर दूंगा। अरे मैं क्यों दूं चुड़ैल को अपने कंगन? शराफत से ऐसे मुझे कंगन लेकर दो। अरे मैं क्यों दूं चुड़ैल को अपने कंगन? जो चीज मेरी है वो मेरे लिए ही आई है और मैं किसी को नहीं लेती। कहाँ जाऊं, किधर जाऊं मैं इन दोनों के रोज रोज के झगड़े, इससे अच्छा तो मुझे एक ही बीवी काफी थी। A few moments later. अजी सुनिए ना, मैंने शॉपिंग पर जाने इतने दिन हो गए हैं, मेरे साथ चले ना शॉपिंग पर। चलते हैं शॉपिंग पर। पंकज ऐसा करो, मुझे मेरी अम्मी का घर छोड़कर आ जाओ, इतने दिन हो गए मुझे अम्मी के घर गए हुए, अम्मी की कालों पे काले आए जा रही हैं। आ जा, तुम जल्दी करो मुझे छोड़कर आ जाओ। लेकिन बेगम मैंने तो लेकिन कुछ नहीं, जो मैंने कह दिया तो कह दिया, खड़े हो चलो। oh, no. है मैडम साहिबा, किधर लेकर जा रही हूँ मेरे सरताज को? क्यों तूने पूछने का ठेका ले रखा है? मैं कहाँ जा रही हूँ, कब जा रही हूँ, क्यों जा रही हूँ, छोड़ो इसको, हम शॉपिंग पर जा रही हैं। नहीं ये मेरे साथ जाएंगे, आई समझ में तुम्हें मेरी बात? अरे बस कर दो, मेरी भी तो कोई सुन लो।
सुनो सुनो सरताज जी, आप मेरे साथ शॉपिंग पर जाओगे? क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था एक मिनट मिनट के अंदर उठो, चलो मेरे साथ उठो जी, उठो आप मेरे साथ जाओ। हटो तुम दोनों, दफा हो जाओ, मैं तुम दोनों में से किसी के साथ नहीं जाऊंगा। आज तो फैसला होकर रहेगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं या उस दूसरी से। तुझसे करता हूँ, तेरे हाथों मेरी मौत लिखी है। मैं तो कहती हूँ मुझे ही मौत आ जाए। कई दफा आई तो घर में मिलती नहीं है। A few moments later. इतनी गर्मी हो रही है, चलो नहाकर आ जाता हूँ। बस ये मोबाइल। आज तो अपना पल्स छोड़ कर गए हैं, आज तो बड़ा छापा मारूंगी इनके पल्स से। 25,000, थोड़ा ऐसा करती हूँ 14,000 निकाल लेती हूँ, इनको पता नहीं चलेगा। आज तो पार्टी होगी, पार्टी। A few moments later. अरे आज तो ये इतना वॉलेट यहीं पर छोड़ कर गए, देखती हूँ कितने पैसे हैं इसके अंदर। अरे इसके अंदर तो सिर्फ 14,000 रुपए हैं। ऐसा करती हूँ ये पूरे के पूरे 14,000 रुपए निकाल देती हूँ। ओ इसमें तो 5 रुपए का सिक्का भी है, सिक्का छोड़ देती हूँ। सविता का नाम लगेगा कि इसी ने पैसे निकाले होंगे, मैं तो नई नवेली दुल्हन हूँ ना। अरे मेरे सारे पैसे कहाँ गए वॉलेट में से? मैंने तो 25,000 रुपए रख कर गया था इसके अंदर, इसमें तो सिर्फ 5 रुपए का सिक्का है, बकाया पैसे किधर चले गए मेरे? सोनिया सविता दोनों इधर आओ। क्या बात है जी, क्यों शोर मचा रखा है आपने? जल्दी बताओ दोनों मेरे 25,000 रुपए किधर गए? नहाने से पहले इसमें मैं रख कर गया था, जल्दी जल्दी बताओ किसने निकाले हैं तुम दोनों में से? अरे अरे क्या हुआ? वो आ गई आपकी लाडली, उसने निकाले होंगे आपके पैसे। मैं चोर नहीं हूँ, समझ आई ना? मैंने नहीं पैसे निकाले हैं। ससुराल में आए हुए एक दिन भी नहीं हुआ और तुमने मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा दिया। ये जो तुम्हारी बीवी खड़ी है ना सविता, इसने निकाले होंगे पैसे। तूने निकाले होंगे। माँ बाप ने खाली भेज दिया। अरे बाबा माफ कर दो, मैंने ही खर्च किए होंगे, गलती कर दी तुमसे पूछ कर। जो जो लोग दूसरे शादी करना चाहते हैं ना, ये हाल होगा जो मेरा इन्होंने दोनों ने किया है। बहुत दुर्गत बनाई है इन दोनों ने मेरे मिलकर। इसके लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है ना, और कमेंट भी जरूर करना मेरे लिए। बाय।